हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में जो आपका खुद का चैनल है उसमें आपका स्वागत है। और हम आज आईपीओ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको मैं नीचे ले जाके दिखा दूं तो मैंने वीडियो बनाई थी किस शेयर से रिलेटेड, IRFC से रिलेटेड। यहाँ पर आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। IRFC की सारी डिटेलिंग मैंने यहाँ पर दी गई है। और इसी तरीके से आज एक और आईपीओ आया है, तो उस आईपीओ का नाम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, पेंट सेक्टर का एक आईपीओ आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड सारी डिटेलिंग जानेंगे। और क्या इनकी ग्रोथ है, किस तरीके से ये काम करती है, वो सब कुछ हम जानेंगे। बट बिफोर दैट, आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपका चैनल है बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है इंडिया की, सेबी रजिस्टर्ड है जो कि सबसे मेन है, और जीरो डिलीवरी चार्जेस है। ओके, बहुत अच्छा इनका एप्लीकेशन है, बहुत स्मूथली रन होता है, जाके आप देख सकते हैं, ओपन करा सकते हैं अगर आपका अकाउंट नहीं है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ वो है इंडिगो पेंट्स। तो इंडिगो पेंट्स का आईपीओ आ रहा है। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ इंडिगो पेंट्स, तो इंडिगो पेंट्स का आईपीओ, सारी डिटेलिंग इसके ऊपर बातें करेंगे क्या है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पेंट्स से रिलेटेड ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज लिस्टेड है। अगर बात की जाए एशियन पेंट, बर्जर, कैंसल, नैरोलैक, एक्सोल, शालीमार, तो बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है और सक्सेसफुल बिजनेस कर रही है। बहुत अच्छा, आपको पिछले काफ़ी सालों से अच्छा खासा रिटर्न भी देती आई है। तो एक और सेक्टर का आईपीओ आ रहा है, एक और उस कंपनी अपने आप को लिस्ट कराने जा रही है इंडिया में। ओके, पेंट सेक्टर में, तो उस कंपनी का नाम इंडिगो पेंट लिमिटेड, आईपीओ लिमिटेड है। अगर बात की जाए कि ये कंपनी एग्जैक्टली है क्या, तो देखिए इंडिगो पेंट्स इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पेंट्स कंपनी। ओके, एक तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के टर्म पे, कमाने के टर्म में। अगर इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी इन डेकोरेटिव पेंट्स इंडस्ट्री, और इंडिया में ही ये पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है डेकोरेटिव पेंट्स इंडस्ट्री की बात की जाए तो। द कंपनी इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स। ओके, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेंट्स होते हैं उसमें कंपनी काम करती है, जैसे कि एनामल, इमल्यूजन, वुड कोटिंग, प्राइमर्स, अगर पुटीज एंड सीमेंट पेंट्स, तो अलग अलग उसमें ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। अलग अलग टाइप के पेंट्स बनाती है। अगर बात की जाए और भी, तो इट इज़ द फर्स्ट कंपनी दैट स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो इसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सबसे पहले प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटालिक इम्ल्यूजन्स, ब्राइट सीलिंग कोट इम्ल्यूजन्स, ओके, और डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, एक्सटीरियर लैमिनेट फ्लोर कोट इम्ल्यूजन्स, ओके, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एक्रिलिक लैमिनेट एंड PU सुपर ग्लोस इनामेल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ये प्रिंट्स है, ओके, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स है वो इसने यहाँ पर मार्केट में लिस्ट करे हैं। अगर हम बात करें इसके सेल्स के ग्रोथ की, तो देखिए द सेल्स फ्रॉम दीज डिफरेंशियल प्रोडक्ट आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग। तो जो ये प्रोडक्ट्स इसने यहाँ पर करे, डिफरेंशियल प्रोडक्ट जो यहाँ पर लॉन्च करते हुए नज़र आया है, तो ये जो इनका ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जो कि क्या कहते हैं, 2018 में कितना था, 26.68%, 26.68%। तो अभी 2020 में कितना हो गया है, 28.62%, मतलब 28.62% का यहाँ पर फिस्कल 2020 में यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, लगभग 2% के लगभग यहाँ बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर बात की जाए इंडिगो पेंट्स हैज़ ए स्ट्रॉन्ग मार्केट नेटवर्क एंड डीलर इन Tier 1, Tier 2 एंड मेट्रोज एज वेल एज, ओके, तो ये इंडिया के काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आपको नज़र आ जाएगा। इट हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सिचुएटेड इन, देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो इनकी फैसिलिटीज़ है जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जोधपुर में, कोची में, ओके, एंड पुडुकोटई में, तमिलनाडु में, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। और अगर बात करें इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एट पुडुकोटई जो तमिलनाडु में है, टू मैन्युफैक्चर वाटर बेस्ड पेंट्स, तो वाटर बेस्ड पेंट भी यहाँ पर बनता हुआ हमें नज़र आता है। अगर कंपनी के स्ट्रेंथ की बात की जाए कि कंपनी के क्या स्ट्रेंथ कितनी है, तो देखिए लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद डिफरेंशियल प्रोडक्ट, जो कि मैंने आपको अभी नाम बताए थे, और भी बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। एज वेल एज बात की जाए वेल प्रूवन एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड, तो जो इनका जो ग्रोथ है जो इनकी सेक्टर का रेवेन्यू वाइज, वो जो है वो काफ़ी अच्छा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी और बहुत अच्छा ब्रांड भी है। एक्सटेंशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजिक लोकेटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, ओके, ये इसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात की जाए, तो देखिए
यहाँ पर नाम दे रखे हैं, हेमंत जलान, अनीता जलाल, पराग जलान, ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है, एज वेल एज कुछ कंपनी है जैसे कि हेलोगन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड आर द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। अगर ये है सारे के सारे प्रोमोटर्स जो कि कुछ ओएफएस एज वेल एज फ्रेश इशू यहाँ पर लाते हुए आईपी एज आईपीओ हमें नज़र आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कंपनी फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव है, मैं भी आपके साथ में देखिए देख ले रहा हूँ, इन मिलियंस ऑफ रुपीज़ में ये सारा का सारा डेटा है। अगर बात की जाए ये 2018 का या डेटा है, ये 2019 सॉरी ये 2019 का है मार्च का, और ये फिस्कल ईयर 2020 का है, और ये सितंबर मतलब छः इस महीने की बात का है। अगर टोटल एसेट की बात की जाए तो देखिए 2018 में 2973 था जो कि मिलियन इन रुपीज़, ओके, मैं सिंपल आपको नंबर बता रहा हूँ, जो कि बढ़ के 37.31.83 हो गया, जो फिर बढ़ के 2020 में 42.19.57 हो गया, और अभी अगर हम बात करें सितंबर में ओके, तो सितंबर सितंबर में 41.41.12.91। तो इसे ईयरली बेसिस पे काउंट मत करिएगा क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा ईयर कंप्लीट हुआ नहीं है, ये मार्च तक चलेगा, जब आएंगे तो ये बढ़ता हुआ ही आपको नज़र आएगा, आप इससे 2 से भी गुना कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो अगर बात की जाए तो लगभग दुगना ही होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, बट जब आएगा तब की तब बातें करेंगे। अगर टोटल रिवेन्यू की बात की जाए तो रिवेन्यू देखिए इंक्रीज होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पहले 4,000 था, फिर 5,372 होगा, फिर 6,264 हो गया, और अभी जो विद इन 6 मंथ की जो एक ग्रोथ का पीरियड है अगर रिवेन्यू पर देखें तो लगभग 26 हो गया है, तो जो कि अगर 2 से गुना करें एक बच्चों वाली कैलकुलेशन मतलब कह सकते हैं, बट अगर अभी ये केवल 6 मंथ का ही यहाँ पर डेटा है, ये पूरा ये ईयरली बाइस था और ये 6 मंथ का डेटा है, तो इसे हम अभी काउंट ना करें तो बेटर रहेगा, केवल इसी को काउंट करें तो देखेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए पैट इनका काफ़ी अच्छा है, नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, 128 जो कि बढ़ के 268 हुआ, जो फिर बढ़ के 478 हुआ, और अभी 6 मंथ में लगभग 272 हुआ है। अगर हम इसे और भी अगर उसी सेम कैलकुलेशन 2 से गुना करते हैं तो लगभग 54 होता है, जो कि बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा इनका रिवेन्यू है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें ये सब चीज़ फाइनेंशियल्स जो स्टेटमेंट इनका नज़र आ रहा है, एज वेल एज अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्यों ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ का, तो वो ऑलवेज हर एक कंपनी का सेम ही होता है, टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सपेंशन एंड पाडुकोट्टई जो तमिलनाडु में इसको जो इनका हबिंग है, मैन्युफैक्चरिंग हब है उसमें को एक्सपेंड करने के लिए कैप, और एज वेल एज बात की जाए टू परचेज टाइंटिंग मशीन एंड गारो शेकर्स, ओके, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इन्हें मंगाने हैं, मतलब कुछ मशीन्स हैं, एज वेल एज टू रिपे ऑल और सर्टेन बोरिंग, कुछ उनके पास बोरिंग है उसे चुकाने में, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, जो कि हमेशा हर एक कंपनी कहती है। अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात की जाए कब आईपीओ आ रहा है कैसे आ रहा है, तो देखिए आज है 14 तारीख, ओके, 14th of Jan है, और ये जो आईपीओ लिस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ये लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा हमें 20th of Jan, मतलब 20 जैन को हमें आईपीओ की डेट आती हुई नज़र आ रही है, 20 जनवरी को हम अप्लाई कर सकते हैं, 22 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा, ओके, 3 दिन का टाइम जो हर एक आईपीओ में मिलता है वो हमें मिलेगा, बुक बिल्डिंग टाइप का आईपीओ है, ओके, एंड 10 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से फेस वैल्यू इसका है। अगर हम बात करें आईपीओ के प्राइस की तो देखिए आईपीओ का प्राइस काफ़ी हमें महंगा नज़र आ रहा है, लगभग 1488 टू 1490, मतलब अगर बात की जाए तो 1490 रुपये पर इक्विटी शेयर पे हमें नज़र आ रहा है। अगर मार्केट लॉट की बात की जाए तो देखिए 10 का आपको, अगर आप एक लॉट लेंगे तो 10 शेयर का एक लॉट मिलेगा 1490 रुपये का, और ये दोनों ही कंपनी दोनों ही सॉरी एक्सचेंजेस में हमें लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा, कौन से BSE एंड NSE दोनों इंडेक्स पे हमें लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा। लॉट साइज 10 का है जो मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रेश इशू जो यहाँ पर नज़र आ रहा है 300 करोड़ का फ्रेश इशू हमें नज़र आ रहा है। ऑफर फॉर सेल की बात की जाए तो ऑफर फॉर सेल यहाँ पर लगभग 58,40,000 इक्विटी शेयर्स का हमें नज़र आ रहा है। अगर इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के टाइम टेबल तो वही ऑब्वियसली बात है 20 से 22 तारीख जो है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ओपन डेट एंड क्लोज डेट आप देख सकते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट 28 तारीख है, ओके, अलॉटमेंट डेट 28 है इनिशियल, और अगर मिल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है अच्छी बात है, अगर भाई 29 तारीख को यहाँ पर इनिशिएट कर दिया जाएगा जिसे नहीं मिलेगा उसके पैसे, एज वेल एज द क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट 1 फरवरी को आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और 2 फरवरी को 2nd of Feb को लिस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है, ओके। इंडिगो पेंट्स आईपीओ लॉट साइज की अगर बात की जाए
तो 10 10 शेयर का एक लॉट होगा। तो मैक्सिमम आप रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स केवल 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट होगी 1,93,700 रुपये। तो आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पर प्रोमोटर्स का, वो 94.26% है। और एक बार आईपीओ आ जाएगा उसके बाद कितना होगा वो हम बाद में देखेंगे, यहाँ डिटेल्स देने रखी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक जो इनके एम्प्लॉयज़ है उनको 148 पर शेयर पे डिस्काउंट मिल रहा है। अगर बात की जाए जहाँ पर हमें कितने 1490 पे हमें अगर मिल रहा था 1490, तो यहाँ पर उनके लिए 148 पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट मिलता हुआ नजर आएगा। तो एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया गया है। अगर यहाँ पर देख ले ब्रेकअप की, तो देखिए एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इतना करोड़ रुपए का रख रखा है, क्यूआईबी के लिए 231, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 173, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे लिए लगभग 405.91 करोड़ रुपये, मतलब आई थिंक 35% रख रखा है यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो आप जाके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और मिलने के चांसेस काफ़ी सारे मिल सकते हैं। अब बात की जाए इसके ग्रे मार्केट प्राइस की, तो लगभग ये देखिए 1186 करोड़ या 1170 करोड़ के आसपास का ये ऑब्वियस यहाँ पर नज़र आ रहा है आईपीओ आता हुआ। एंड अगर जीएमपी की, ग्रे मार्केट प्राइस की बात की जाए, तो ग्रे मार्केट प्राइस काफ़ी हाई चल रहा है, लगभग 840 रुपये प्लस में यहाँ पर अभी ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर अभी तो सब रिकमेंड कर रहे हैं, और आगे अभी जब आएगा, जिस तरीके से जीएमपी होगा और मार्केट की सिचुएशन होगी उसी हिसाब से ये ग्रे मार्केट प्राइस चेंज होता जाएगा। तो आगे भी मैं आपको दोनों आईपीओ से रिलेटेड बता दूंगा कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। और बाकी अभी जिस तरीके से दे रखी है, तो ये शायद पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा, और हमें भी, मुझे भी लगता है कि हमें ले लेना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस है। क्यों लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से इनका ग्रोथ हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 401 करोड़ रुपये, यहाँ पर आपको बता देता हूँ ये रिवेन्यू है। ये रिवेन्यू देखिए 401 करोड़ से 535 करोड़ हुआ, फिर 624 करोड़ रुपये रिवेन्यू होता हुआ नज़र आया, जो कि काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और अगर प्रॉफिट की भी बात की जाए, तो प्रॉफिट लगभग यहाँ पर देखिए 10 15 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। फिर यहाँ पर 26.8 करोड़ रुपये का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया है। और अगर यहाँ पर देखें तो लगभग 47.87 8 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। तो हर चीज़ यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। ये 2018 का है, 2019 का है, और ये 2020 में लगभग 48 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंपनी तो देखिए ग्रोइंग है, अच्छा खासा बिजनेस भी कर रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रही है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट भी कर रही है। बट ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज लिस्ट है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसमें भी इन आईपीओ को ले सकते हैं। और अगर आप लेते हैं तो इसे लॉन्ग प्रोस्पेक्टस से लिया कीजिएगा, 3 4 साल के प्रोस्पेक्टस से, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा गेन, आपको जो होता है ना इन्वेस्टिंग जिसे कहते हैं, तो आपको आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के गुंजाइश हो सकती है। तो दैट्स दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।